पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत भारतीय गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। रामू अपने पाक कौशल विशेषकर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी दुकान रामू स्वीट्स गांव के मध्य में स्थित थी। एक छोटी धूल भरी दुकान जो कांच के बक्सों में रखी रंग बिरंगी मिठाइयों से सजी हुई थी। हालांकि रामू के खुशमिजाज चेहरे के पीछे लालच से भरा दिल छिपा था। आह, भाग्य बनाने का एक और दिन। ये ग्रामीण मेरी मिठाई का विरोध नहीं कर सकते। रामू, मुझे अपनी एक दर्जन प्रसिद्ध मिठाइयां दो। बिल्कुल मेरे दोस्त, हेयर यू गो, वो 10 रुपये होंगे। 10 रुपये? ये सामान्य से अधिक है रामू। खैर, गुणवत्ता की कीमत है मेरे दोस्त, आप निराश नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ। मैंने देखा है कि रामू की मिठाइयों का स्वाद हाल ही में पहले जैसा नहीं रहा है। हाँ, उनमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना है कि रामू क्या कर रहा है। यह आटा असामान्य दिखता है और तेल, इसका उपयोग पहले भी किया जा चुका है। मुझे ये पता था, रामू कन्नी काट रहा है। हम इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने जांच करने का फैसला किया। उसने सावधानी से रामू की सामग्री के नमूने एकत्र किए और उन्हें गांव के बुजुर्ग बापू नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के पास ले गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे ध्यान में आया है कि हमारे प्यारे हलवाई रामू ने अपने लालच को अपने निर्णय पर हावी होने दिया है। लालच क्या चल रहा है? उसने अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता से समझौता किया है। ये हमारे गांव का तरीका नहीं है, जहां विश्वास और ईमानदारी को बाकी सबसे ऊपर महत्व दिया जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रामू हमारे साथ ऐसा करेगा। रामू के धोखे के बारे में जानकर गांव वाले हैरान और निराश हो गए। उन्होंने एक समुदाय के रूप में उसका सामना करने और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैंने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया। मुझे बहुत खेद है हर कोई, हमने तुम पर भरोसा किया रामू, हमें आशा है कि आप अपना तरीका बदल देंगे। समय के साथ रामू ने अपने ग्राहकों का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी सस्ती सामग्री को त्याग दिया और एक बार फिर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया। गांव ने उसे माफ कर दिया और रामू ने अपने लालच के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। मैं वादा करता हूँ, अब से मेरी मिठाइयाँ हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से बनाई जाएंगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, रामू की मिठाइयाँ एक बार फिर गांव की पाक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गयी, और वह भी न केवल अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बल्कि अपनी नई ईमानदारी के लिए भी जाना जाने लगा।